जीवन में कुछ किसी ने धोखा दे दिया तो वैराग्य आ जाता है कि भाई संसार में तो सब ऐसे ही है, थोड़ी देर के लिए आता है और फिर भूल जाते हैं, फिर लग जाते हैं संसार में। जब कोई किसी का साथ छोड़ देगा, धोखा दे देगा, किसी की मृत्यु हो जाती है, जब तो ऐसे लगता कि भैया संसार दुनिया सब झूठी है, सब बेकार है। पर 2-5 मिनट के लिए वो भाव में रहते हैं, उसके बाद फिर से वापस फिर दुनिया सच्ची लगने लग जाती है। दुनिया में तो बड़ा आनंद है, दुनिया में तो बड़ा सुख है। और जरा कोई ठोकर लगी तब समझ आएगा फिर कि नहीं भैया दुनिया में सुख कहाँ है। तो इसलिए थोड़ी देर ज्ञान में लग जाते फिर बेहोश हो जाते। नारद जी ने सोचा तो बड़ा गंभीर मामला है। अब नारद जैसे इतने बड़े ज्ञानी भगवत अवतार ये समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे तो इनका भी उद्धार नहीं होगा और हमारी भी नाक कट जाएगी। बताओ समाधान नहीं इनके पास। कहते साधु के पास सब समाधान है और इनके पास ये भी समाधान नहीं। नारद जी ने ठान लिया अब तो इसका समाधान खोज के ही रहेंगे, इन ज्ञान वैराग को होश में ला के ही रहेंगे। कैसे लाएं? तो देवताओं ने थोड़ी मदद कर दी। आकाशवाणी ने कह दिया नारद जी इनको होश में लाना है तो आपको सत्कर्म करना चाहिए। अब सत्कर्म का व्याख्या तो कौन ही बता सकता है क्या है सत्कर्म। नारद जी इसकी खोज में निकले, ये ढूंढने निकले कि क्या है सत्कर्म, जरा हम भी तो देखें। सब संतों से मिल रहे हैं, सबसे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या होता है सत्कर्म, सत्कर्म की श्रेणी में क्या आता है। और तब श्री नारद जी को सनकादि ऋषियों से मिलना हुआ और सनकादि ऋषियों से नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज सत्कर्म किसको कहते हैं, क्या करना चाहिए जिससे सत्कर्म में उसकी गिनती हो और ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो। तब सनकादि ऋषियों ने समझाया कि नारद जी वैसे तो देखो दुनिया में बहुत चीजें हैं, कोई दान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, पर हमसे अगर पूछो तो सब सत्कर्मों का एक ही सार है, श्रीमद्भागवतालाप शतुगीत शुकादि भी। श्रीमद्भागवत से बड़ा सत्कर्म और कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए आप भागवत कथा का आयोजन कराओ। कहाँ कराएं? नारद जी ने पूछा आपने समाधान तो बता दिया भागवत कराओ, अब स्थान भी बता दो क्योंकि स्थान अच्छा होगा तो भागवत का आयोजन और सुंदर होगा। तो सनकादि ऋषियों ने आदेश दिया है गंगा के घाट, गंगा के किनारे पर। अधिकतर जो विशेष विशेष प्रवक्ताओं ने कथा करी है जैसे सूत जी नैमिषारण तीर्थ में करते हैं, श्री भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए सनकादिक ऋषि ने जो करी है वो गंगा के किनारे करी है, सुखदेव जी ने भी जो कथा सुनाई है राजा परीक्षित को वो भी गंगा के किनारे शुक्रताल में सुनाई है। तो यानी इन पवित्र पवित्र नदियों के घाट पर बैठ करके ये कथाएं सुनाई गई हैं, क्योंकि स्थान शुद्ध होगा तो अपने आप ही भागवत का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा स्थान की शुद्धि से। तो नारद जी को आदेश दिया सनकादि ऋषि ने कि आप गंगा के किनारे आनंद घाट हरिद्वार में कथा कराइए। श्री नारद जी ने आके कथा की पूरी तैयारी करी, और तैयारी में भी क्या, उस समय तो बस ये था कि एक बार किसी क्षेत्र में पता लग जाए कि कथा हो रही है, पूरा क्षेत्र पूरा देश ब्रह्मांड में दूर दूर जहां तक भी सूचना जाती देवी देवता ऋषि महात्मा सब इकट्ठे हो जाते कथा सुनने। और आज जैसे कथा हुई सब लोगों ने आके कथा सुनी, सनकादि वक्ता बने, नारद जी इस कथा के यजमान बने। और तब जैसे कथा विश्राम हुई, विश्राम होते ही भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति भी तरुण हो गई और तरुण ज्ञान वैराग्य को लेकर के अपने साथ भक्ति देवी कथा के पंडाल में प्रकट हुई। और कथा के पंडाल में मध्य में प्रकट होकर के देवी भक्ति अपने दोनों बालकों के साथ
जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी बड़े आनंद में दोनों बालकों के साथ प्रकट हो गई। नारद जी बड़े खुश हुए कि आज देखो हमारी जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य था, आज वो पूरा हो गया। गंगा की घाट पर भागवत सुनी और ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार भागवत जी जो है, वैसे तो कहीं भी कहने से इसका लाभ है भागवत जी के लिए तो, पर जैसे यमुना का किनारा, गंगा का किनारा, ये केवल नदियां नहीं है, ये साक्षात हमारे देश में देवी देवता इन सबका रूप है। नारद जी महाराज भी जब यमुना के किनारे गए वृंदावन में, जब भक्ति देवी के साथ विहार कर उनका संवाद हुआ, तो उस समय भी नारद जी वृंदावन में यमुना के घाट पर बैठकर के भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे। तो ऐसा भगवान की लीला, आइए हम सब थोड़ी देर भगवान के जो वृंदावन में दो युगल सरकार विराजते हैं श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी, उनके रूप का दर्शन करें और दो मिनट संकीर्तन करेंगे उनकी लीला का चिंतन करते हुए। सभी भाव से गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे और मन करे तो नाच भी सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। मन करे तो कोई भी दबाव नहीं है, आपका भाव बने ना तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए भाव से सभी गए। सब चिंतन करेंगे कि यमुना के किनारे पर ठाकुर जी गोपियों के साथ, गैयाओं के साथ और अपने ग्वाल बालन के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं, और उनकी छवि को हम सभी निहारते हुए उनकी छवि को अपने हृदय में सभी बसाने का प्रयास करें। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा।